हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप सब लोग लेफ्टिनेंट वीरेंद्र चौधरी जय हिंद बेटा जय हिंद यादव जय हिंद अमित कुमार सिंह जय हिंद तो सब लोग जल्दी से लाइव आज शुरू करते हैं आपका बेहतरीन सेशन वो कैब लैड और मैं डॉक्टर सिसोदिया आपका वेलकम करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम पे सुबह के आठ बज चुके हैं एंड वी आर हेयर लाइव अगेन तो जल्दी से जल्दी से बेटा सब लोग एक दूसरे को सेशन शेयर कर दें और फटाफट से खुद को एक्नोलिज कर दें धनंजय कुमार कैसे हैं शाहबाज कैसे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज है आपका वकैब डे नंबर सिक्सटीन सोलवा दिन आज हम शुरू करने वाले हैं एज यू नो तो भाई वकैब एक ऐसा सेशन है जहां वोकैब सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है आपको याद कराया जाता है जहां सिर्फ आपकी वोकैब नहीं साथ के साथ आपकी रीडिंग एबिलिटी भी इंप्रूव कराई जाती है यू नो दैट ऑल तो वो क्या भी होगा रीडिंग एबिलिटी का सेक्शन भी होगा डेली आपको होमवर्क मिलता है पढ़ने के लिए तो आपको ये क्लासरूम प्रोग्राम सारी चीज़ों को फुलफ़िल करता है और मैं आपको ये बता दूं कि आप डेली 50 वर्ड्स पढ़ते हैं और आज के सेशन सा इंग्लिश पढ़ना है कितने फ्री हैं अम्बाइप सब कुछ फ्री है शहबाज अहमद एवरी इज़ फ्री ओके okay. यहां भी फ्री है इवन एप्लीकेशन पे आप जाएंगे वहां भी फ्री है सब जगह सब कुछ फ्री है तो बस आपको ज्वाइन करना है ठीक है और अब मेरी बात सुनो पहले आज का सेशन मैं आपको बता दूं भाई आज आपको क्या क्या मिलने वाला है अभी आठ से नौ इंग्लिश का क्लास होगा नौ बजे से आपका साइंस का क्लास होगा फिर तीन बजे मैं इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन लेके आ रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला उसे जरूर ज्वाइन करें चार बजे अंसारी सा और जीएस लेके और उसके बाद बेटा पांच बजे साके का मैथ्स का सेशन होगा और रात को फिर आठ बजे आपकी करंट अफेयर्स तो इतने सारे यानी कि सिक्स सेशन अलाइंड हैं छह घंटे का ये टाइम है उससे अलग दो घंटे एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करो आठ से दस घंटे का यूटिलाइजेशन करेंगे टाइम का कर, ठीक है तो शुरू करते हैं जल्दी से सब लोग करें क्या आप सब लोग तैयार हैं आर यू रेडी फटाफट से एक बार कर दू. मेरा नाम है डॉक्टर अमीशौधी आई हैव डन माई डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर चौदह साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन फाइव लैक एक्सपीरियंस और डिफेंस एस बैंकिंग सारे एग्जाम्स पढ़ाए हैं ओके नाव एम हर फॉर यू ऑल गाइज Welcome, welcome बेटा, welcome. Everything is free. मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है नॉट सिंगल पैन नाउ ठीक है सब कुछ फ्री है एप्लीकेशन पे लाखों क्वेश्चन फ्री हैं इवन सारी सारी बुक्स जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सारी की सारी बुक्स वहां पे फ्री हैं आप जाके उन बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं अब आप आपको बुक्स खरीदने के लिए भी एक भी पैन नहीं देनी है कहीं भी लड़ सी ट ऑफ द डे दैट इज योर मोटिवेशन ओके बी मोटिवेटेड सीक्रेट टू सक्सेस इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन हार्डवर्क एंड लर्निंग ऑफ सक्सेस सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस ऑल्सो मैं ये भी बता दू बेटा सक्सेस का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है यू हैव टू डू वॉट इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन ये रिजल्ट है आपकी प्रिपरेशन का आपके हार्ड वर्क का आपके स्वेट का एंड लर्निंग फ्रॉम आप कितना सीखते हैं। अगर आपने कोई चीज गलत की है तो अब आप आपको पता होगा कि आप कहाँ गलतियां करते हैं सो दिस इज द टाइम टू लर्न और भाई यूट्यूब पे नहीं एप्लीकेशन पर भी सब कुछ फ्री है गौरव मेहरा मैं आपको ये बता दूं एंड एप्लीकेशन पे क्लासेस भी आएंगी वो भी फ्री होगा और अभी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस के लिए सारी की सारी बुक्स फ्री हैं ठीक है एक बड़ा सा फ्री अपने साथ जोड़ लो यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट ओके वेलकम साथियों तो राहुल शर्मा कैसे हैं गुड मॉर्निंग तो भाई आज का फैक्ट ऑफ द डे आज के दिन क्या हुआ था ठीक है एक छोटी सी बात समझ लेते हैं जून 28 1926 थ्री कंपनीज मस्ट टू फॉर्म मर्सिडीज बेंच बेटा इस कंपनी को बनाने के लिए तीन कंपनी एक साथ जुड़ी थी और दैट इज यो बेटा कब हुआ था ये जून ट्वेंटी सो वेलकम टू द क्लास रूम एवरी वन एंड कल आपने पढ़ा होगा अपना बेहतरीन सा पैसेज क्योंकि बिना पैसेज के आप ये कॉम्पनशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो बच्चे आज नए हैं जैसे शाहबाज अगर आप पहले दिन शुरू कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप जो आज पढ़ेंगे उसका कल टेस्ट होगा एम बाइब्सो डॉक्टर सिसोदिया से द बेस्ट एजुकेटर थैंक यू बेटा जो आज आप पढ़ेंगे उसका कल टेस्ट होगा मतलब मैं एक लर्निंग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ा के छोड़ देता हूं नाउ इट्स योर टाइम ठीक है पीडीएफ अब भी नहीं मिली अरे रेखा शर्मा मुझे यार यही कुछ पी कल जरूर मिली होंगी रेखा ऐसा नहीं है कल वाली नहीं मिली होगी लेकिन कुछ पेंडिंग जॉब जरूर मिला होगा ठीक है कोई बात नहीं राहुल शर्मा तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपका ऑन बेटा किस पे कंसेंट्रेट करता है मीटिंग ऑन यूनियन कैबिनेट डेक्स एंड कंट्रीज बेटा प्रोग्रेस विदाउट लिमिट्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी थ्रू फाइव जी जल्दी से बताएं किसके बारे में पैसेज ने कहा है ओके okay. गुड 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 और शैलेश यादव ने सारे वर्ड लिखे हैं बेटा पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चों का गलत है डीओटी मीटिंग ऑन द 5जी बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर हियर ठीक है ये बेटा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं नेक्स्ट देखो नेक्स्ट बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑथर ट्राइज टू फोकस ऑन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर ठीक है भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ऑथर ट्राइज टू फोकस ऑन किस पे ऑथर ट्राई करता है फोकस करने के एंड ऑर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्शन रिजल्ट्स इनटू अ बेनिफिट ऑफ द ऑप्शन रिजल्ट इज टेकिंग न्यू स्टेप्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द मैक्सिमम मैक्सिम इंडिया मस्ट रिक्नाइज द प्रोसेस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फाइव जी सर्विस टू इट्स टू द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और इट इज हार्ड टू इमेजिन द इमोर्टेंट द ऑफ टू ओपन अप जी क्या आंसर होगा आंसर दो फटाफट से आज पैसेज कम बच्चों ने पढ़ा है मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है ठीक है वरना कल आपने फटाफट फड़ से आंसर्स थे। well done, बहुत अच्छा आंसर। यादव, अगर इंग्लिश में सबसे स्लो कोई चीज इंप्रूव होती है तो वो रीडिंग ही होती है रीडिंग एबिलिटी इसको पढ़ना पड़ता है इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल नहीं है रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना होगा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है वो वो सिर्फ learning based है 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 आपको आपको करनी ही होगी ठीक से से कौन सी spelling correct है? जल्दी से मुझे बताओ आपको पता चल रहा होगा जो वैन लेके सबसे आगे गार्ड करती हैं उनको वैन गार्ड्स कहा जाता है जो सबसे आगे खड़े हुए हैं बी विल बी द करेक्ट स्पेलिंग बेहतरीन बहुत बढ़िया वैन गार्ड याद आ गया होगा नेक्स्ट यो मैच द फॉलोइंग इविलेंस क्या होगा लिस्ट लेस्टनेस क्या होगा ट्रेल ब्लेजर कौन है पैनेजिक क्या होता है Dis -dis क्या होगा लिथार्जी एक्सटोल कॉन्स कॉन्स्पिकुअस विवेसिटी या अवन गार क्या क्या आंसर हैं जल्दी से मिला के बताओ बहुत अच्छा लगा प्रेंजुल देख के कि आपने ऑलमोस्ट वर्ड लिखे हैं बहुत अच्छा फटाफट से मुझे इनका मीनिंग और बता दो आई जस्ट वॉन्ट टू सी किसकी सिक्वेंस सबसे पहले आती है जल्दी से दिखाओ बेटा किसकी सीक्वेंस सबसे पहले आती है मुझे फटाफट से आप बताएंगे जल्दी बताओ फटाफट फटाफट आंसर दो थर्ड का बी गुड 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 जल्दी से सीक्वेंस मिला के बताओ भाई देखो ये बात तभी चलेगी देखें एबिलियंस बेटे याद आ रहे हैं बहुत खुश है ना तो करेक्ट आंसर क्या होगा विवेसिटी परफेक्ट जल्दी से आंसर दो भाई एक मैंने मिला दिया वैसे कैसे काम चलेगा ये वर्ड तो अलग ही है बेटा कल ही तो पढ़ाए थे अभी देखो बच्चे आ जाएंगे गौरव मैरा ने आंसर दे दिया बिल्कुल लिस्टलेसनेस बेटा क्या था लिथार्जी था लिथार्जी ना आपको सारे सिनोनिम्स भी तो देखने होते हैं तभी तो कहा है कि दो सिनोनिम जरूर लिखा करो पूरा पूरा क्लास होगा बेटा डी ए बहुत बढ़िया ट्रेल ब्लेजर बेटा जो सबसे आगे खड़ा होता था अवन गार्डिस्ट दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आ जाओ बेटा अब है आपका पेनेजुरिक और डाइसरनेबल क्या क्या आंसर होगा फटाफट फटाफट बताओ डी ए ई बहुत बढ़िया तीन मिल गए बी सी ठीक है गुड गुड बेटा तो करेक्ट आंसर क्या होगा एक्सट्रॉल करना दिस इज हियर पेनेजुरिक के लिए और डाइसरनेबल क्या होगा कॉन्सपिक्यूअस होगा बहुत अजीब सा ठीक है सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस वी हैव वेल डन बहुत बढ़िया तो सबसे सही आंसर है डी ए ई बी सी बिल्कुल हाँ, कुछ बैकलॉग क्लियर हुआ होगा कल ठीक है इसका नाम मिला हो बाकी मिला होगा बाकी इसका बैकलॉग आज क्लियर करा देते हैं ठीक है चलो बहुत अच्छी तो आपने आंसर्स देख लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या थी डी ई ए बी सी वॉज द करेक्ट सीक्वेंस चलो शुरू करते हैं तो जो बच्चे नए हैं एक बार मैं चाहूंगा सेशन को लाइक और शेयर करें सब लोग बेटा सेशन को लाइक और शेयर करो जो आपके जो फ्रेंड्स अभी सो रहे होंगे सुबह के आठ बजे हुए तो उन्हें उठा लिया जाए कि भाई उठ जाओ क्लास का टाइम हो गया है और दूसरा यह है कि भाई जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं यहां से आपका सेशन शुरू होता है ये सारे के सारे वर्ड द हिंदू से लिए जाते हैं कोई आर्टिकल लिया जाता है आर्टिकल का मोटो सिर्फ इतना ही है कि आपको हम आर्टिकल दें पढ़ने के लिए और आप उसको पढ़ें और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ठीक है तो ये आर्टिकल का सिर्फ मोटो है क्योंकि आई वॉन्ट कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें वॉकएप और रीडिंग एबिलिटी दोनों का ही बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अगर हम सिर्फ सी की बात करके देखें तो बेटा सी में रीडिंग एबिलिटी के करीबन 40 क्वेश्चंस और वॉकएप के करीबन 40 क्वेश्चंस आते हैं यानी कि 80 क्वेश्चन यहीं से कवर अप हो जाते हैं ओके तो चलो शुरू करते हैं विकी कैसे हैं लाइक like कर दिया थैंक यू बेटा थैंक यू मैं सभी से चाहूंगा शेयर like कर दें तो आज का पहला वर्ड आपके सामने है बहुत बढ़िया सा वर्ड बेटा सी क्या, क्या है ठीक है सुनो बेटा ये रिबेलियन uh, मतलब नाउन दैट्स अ नाउन पार्ट ऑफ स्पीच रेजिस्टेंस टू एन एस्टेब्लिस्ड गवर्नमेंट और लीडर आपने देखा होगा कहीं कहीं बेटा क्या होता है स्टैब्लिश लिए कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर देते हैं के लीडर हमें नहीं चाहिए या ये गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए तो ऐसे टाइम पे जो विद्रोह होता है उसको हम रिबेलियन कहते हैं ठीक है रिबेलियन मतलब विद्रोह होगा तो आ, पिक्चर से आपको बातें समझ आ रही होंगी जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है इट इज फॉर दैट वन ओनली ठीक है कि आप देख पाए आपने कहा पीजेंट्स रोज़ इन पीजेंट्स कौन होते हैं पीजेंट्स पीजेंट्स सुनो पीजन्स कौन होते हैं बेटा ये वर्ड यूज़ुअली प्लूरल ही यूज होता है ठीक है और वर्ब इसके साथ प्लूरल ही आती है आपने सुना होगा ना उनका एक कॉन्सेप्ट है आप पीपल है पुलिस है इन सब के साथ वर्ब प्लूरल आती है तो जो पीजेंट्स होते हैं ये होते हैं आपके फार्मर्स कौन होते हैं बेटा ये होते हैं आपके फार्मर्स तो आपने कहा फार्मर्स रोज इन रिबेल रिबेलियन फार्मर्स किसमें खड़े होगे बेटा रिबेलियन यानी कि विद्रोह में खड़े होगे हो जल्दी से सेंटेंस यूज करके बताएंगे ठीक है फटाफट से सेंटेंस को यूज करेंगे सेंटेंस uh, यूज करना ही आपकी पोटेंशियल है बाकी कुछ नहीं है द अनफेयर टैक्स लॉज स्पार्कल्ड और रिबेलियन बेटा अनफेयर टैक्स लॉज मतलब कुछ नियम बनाए गए टैक्स को लेके नए तो उससे क्या हुआ स्पार्कल्ड रिबेलियन उन्होंने एक विद्रोह को जन्म दे दिया ओके okay? उन्होंने एक विद्रोह को जन्म दे दिया सेंटेंस लिखो सो गए सारे के सारे लोग सेंटेंस लिखो जल्दी से कि रिबेलियन को लेके और क्या सेंटेंस हो सकता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई सेंटेंस के लिए कहना पड़ता है ये काम आप मुझसे कहते थोड़ी सा पढ़ाना शुरू करो मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ तो मुझे आपसे क्यों कहना पड़ता है कि भाई सेंटेंस लिखो सुपीरियर स्टूडेंट्स जब प्लूरल है तो वॉज नहीं वर आएगा आई फाउंड आउट अ वे फॉर द रिबेलियन ठीक है बहुत बहुत सही है बेटा तो दिव्या सुप्रिया आपको समझ आ गया आई फाउंड आउट देर इज अ वे फॉर द रिबेलियन विद्रोह के लिए कोई रास्ता है सम मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र ठीक है रेज रिबेलियन अगेंस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल सही बात है being a rebel, rebel my rebellion spirit ऐसे लिखना चाह रहे हो ओके चलो शुरू करते हैं द क्राइसिस ऑफ श्रीलंका द क्राइसिस सिंगलर है, है ना क्राइसिस नहीं है एस आई एस जो होता है वो इसका क्लुरल होगा ठीक है, है तो आपने कहा आर मेड ऑफ रिबेलियन ठीक यूथ्स आर इन रिबेलियन अगेंस्ट बिटा यूथ्स क्रिएट अ रिबेलियन ऐसे कर लें ठीक है और नेक्स्ट है पीपल ऑफ द श्रीलंका स्टार्ट रिबेलियन ठीक है उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया अब विद्रोह के लिए क्या क्या होगा बहुत बढ़िया ठीक है फटाफट समझो अब विद्रोह क्या होगा देखो रिबेलियन हो सकता है इजी वर्ड हो लेकिन इंसर्जेंसी नोट करेंगे बहुत अच्छा वर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इंसर्जेंसी इंसर्जेंस हो गया इंसर्जेंसी हो गया दोनों सेम ही है ठीक है इंसरेक्शन बेटा विद्रोह कर देना म्यूटिनी म्यूटिनी होता है ऐसे बेटा देशद्रोह या विद्रोह करना और आउटब्रेक होता है फूट पड़ना यह मतलब ऐसा होता है जैसे आपने कहा गुस्सा आउटब्रेक आउटब्रेक हो हो गया हो गया रिबेलियन फूट जाना ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है बेटा आपने आपको कहा एग्रीएबिलिटी यानी कि आप मेरी बात मान लेते हैं आपके अंदर एग्रीएबिलिटी है सम्मान की बात है ठीक है एमिनबिलिटी झुक जाना एमिएबिलिटी फ्रेंडशिप हो जाना, जाना दोस्ती जैसा व्यवहार स्लेविसनेस uh, होता है स्लेव कौन होते हैं बेटे जैसे दास्ता दास्ता जैसी बात हो जाना और सबमिसिवनेस का मतलब होता है कि आप बड़े सबमिसिव नेचर के हैं मतलब आप किसी की भी बात मान लेते हैं आप सबमिसिव हैं तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दीज आर एंड दीज आर द द्स फॉर द वर्ड नेक्स्ट ट्राई करते हैं बहुत अच्छा पहला वर्ड सबको क्लियर है म्यूटिनी इंसर्जेंसी और रिबेलियन तीन चार वर्ड अच्छे से याद करेंगे ठीक है वर्ड है नेक्स्ट अलायंस एलायंस क्या होता है बेटा एलायंस आपने यूजुअली सुना होगा बहुत मतलब न्यूज़पेपर में वर्ड रहता है अलायंस और यूजुअली हम ऐसे ही सुनते भी रहते हैं न्यूज़पेपर में भी लोगों के बीच में गवर्नमेंट के बीच में बात होती है तो अलायंस मतलब होती है एक तरीके की संधि ट्रीटी भी कहते हैं नाउन है अ यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स बेटा अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए हम एक ट्रीटी बना देते हैं हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड योर वॉट दैट इज अलाय ठीक है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ अग्निपथ स्कीम स्टार्टेड इंसर्जेंसी बिल्कुल सही बात है इंसर्जेंसी शुरू कर दी इन रिस्पॉन्स पीरियडिक बट इंटेंस रिबेलियंस इराप्टेड थ्रू द कंट्री ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर ठीक है बेटा अगले पांच सालों के लिए जो रिबेलियंस है वो इंटरप्टेड हो गए हैं गुड मॉर्निंग बेटा प्रवल गुड मॉर्निंग वी आर नॉट डैत्स वी आर रिबेलियन ठीक है इज द बेस्ट डायलॉग ऑफ पान सिंह तोमर बिल्कुल तो बेटा डी ए नहीं थे डी ओ होता है वो ठीक है तो वी आर नॉट ड हम डकैत नहीं है हम रिबेलियन है बिल्कुल हम विद्रोह करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेकिन हम डकैत नहीं है बिल्कुल सही बात है पान सिंह तोमर मूवी आपने देखी है इसका मतलब गुड तो भाई हमें समझ आ गया कि पहले हमने क्या करा भाई ट्रीटी हो गई सॉरी रिबेल हुआ तो उसके बाद अलायंस ही होता है वी नीड टू फॉर्म अ क्लोजर अलायंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री हमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में एक क्लोजर क्या बनाना होगा अलायंस बनाना होगा अगर अलायंस क्रिएट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री आपस में काम नहीं कर पाएंगी अलायंस अगेंस्ट आर कॉमन गोल्स वट सम मिनिस्टर्स ऑफ शिवसेना विद बीजेपी होगा आर्टिकल लगाएंगे देश पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आर्टिकल लगाया जाता है दाई ब्रदर डिड अलायंस ऑन लैंड प्रॉपर्टी ठीक है और अलायंस अगेंस्ट आर कॉमन एनिमी इज आर ओनली हो फॉर सर्वाइवल ठीक है कि बस अगर हम नहीं कर पाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे गुड Uh, सर पैसेज इंग्लिश का कहाँ मिलेगा सर टेलीग्राम पर नहीं शो हो रहा है हिमांशु सिंह ये टेलीग्राम पर ही कल कुछ बैकलॉग के लिए क्लियर हुआ था कुछ आज क्लियर हो जाएगा द इंडिया एंड अमेरिका बिल्कुल गलत है आनंद किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल दान नहीं लगाते हैं सिर्फ उन कंट्रीज के नाम के पहले दान लगता है जिनमें स्टेट या किंगडम जैसे वर्ड्स आ जाती हैं ठीक है चलो शुरू करें देखो भाई अब हमारा वर्ड यहाँ से शुरू होता है देखते हैं क्या है इट इज़ यर वी नीड टू फॉर्म अ क्लोजर अलायंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री द आर्टिकल कंडेम्स वॉट सम से इज एन अनहोली अलायंस बेटा ये कंडेम्स करता है जिसको कुछ लोग कहते हैं एक अनहोली अलायंस है मतलब बुरा अलायंस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया के बीच में तो अनहोली मतलब समझ गए पवित्र नहीं है अपवित्र है द अलायंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज गैटिंग बेटर डे बाई डे ठीक है ऐसे लिखा करो नेक्स्ट आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले इसके सिनोनिम देख लो अकॉर्ड है ये वर्ड आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने तैयार करवाया है कॉर्ड माने क्या होती है रस्सी होती है अकॉर्ड माने रस्सी से सब बढ़े हुए बंधे हुए हैं कन्वेंशन है बेटा ठीक है फॉलो अप है कॉवेंट है जुड़ा हुआ है पैक्ट है हमारे बीच में और ट्रीटी है ठीक है अपोजिट क्या होगा डिसोल्यूशन है भाई आपने चीजों को तोड़ दिया डिसोल्यूट कर दिया डिस यूनियन है यूनियन को हमने ब्रेक कर दिया है ठीक है डिवीजन आसान वर्ड है पार्टिंग हो जाना अलग अलग हो जाना और सेपरेशन अच्छा सेपरेशन में एक बात याद करना भाई हम इसको जो प्रोनाउंसिएशन है उसका ये है एस ई पी आर ए टी आई ओ एन समझ गए तो ऐसे ही स्पेलिंग हम लिखाते हैं तो गलत हो गया इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी एस ई पी ए आर ए टी आई ओ एन आज के बाद शायद आप भूलोगे नहीं ठीक है गलती क्या है वी प्रोनाउंस द वर्ड सेपरेशन बट द स्पेलिंग इज एस ई पी ए आर ए टी आई ओ एन तो हम यूज़ुअली इस वाली स्पेलिंग को लिख के आते हो करेक्ट मान लेते हैं तो स्पेलिंग एरर का एक बहुत अच्छा वर्ड है सापरेशन इसको याद कर लेंगे ठीक है थम्सअप करो जल्दी से बात क्लियर है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है बहुत बढ़िया यूज करते जाए आपने कहा अरे पी यू ऐसा नहीं है सर का मूड ऑफ नहीं होता है अरे किसने कह दिया प्रवल ऐसे मत बोलो सर का मूड ऑफ हो जाएगा भाई क्या बोल दिया किसने <laughs> दोबारा से बता दो क्या क्या बोलते जा रहे हो वी शुड हैव टू इम्प्रूव द अलायंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ठीक है बहुत बढ़िया ठीक बहुत अच्छे अरे मूड वूड ऑफ़ क्यों होगा आप तुम्हारे स्टूडेंट हैं मूड कैसे ऑफ हो, हो सकता है मजे करो आराम से पढ़ो सुबह सिखाने आते हैं आपको सिखा के जाना है ठीक है तो बस आप बढ़िया से देखते जाओ और सेंटेंस लिखते जाओ ठीक है और अगर किसी का सेंटेंस चेक नहीं हो पाता है तो इस बात को लेकर कभी नाराज मत होना कि सर ने हमारा सेंटेंस नहीं देखा सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव मेड बेटा सम डेवलप्ड कंट्री अच्छा हैड लिखा है ठीक है हैड मेड अलायंस टू सपोर्ट अनडेवलप्ड टू ब्रिंग इनटू ग्रीन एनर्जी बट टिल नाउ देयर इज लैक ऑफ फंड ठीक है पीडीएफ का बोला था सर सप्रेवल वो भी मिलेगी देखो मैं आपको बता रहा हूँ जिनको कल आना था वो छुट्टी पर थे लेकिन कुछ बैकलॉग कल क्लियर किया गया था अगर आपने देखा है और बाकी शायद आज पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो बैकलॉग क्लियर जरूर हुआ था कल मैं अपडेट लेके गया था चलो शुरू कराता हूँ नेक्स्ट वर्ड है बेटा अन का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो वर्ड को Unravel को अनवल का मतलब होता है सुलझाना यह आपको दिख रहा होगा ऐसे होता है ना बेटा कॉर्ड कॉटन की कॉर्ड देखी होगी थ्रेड ऐसे फस जाता है तो आप उसको सुलझाते हैं इसका मतलब होता है चीजें इन्वेस्टिगेट एंड रिमूव नॉट्स और कंफ्यूजन इन्वेस्टिगेट करना और चीजों को रिमूव कर देना बेटा एक्सटेंशन ऑफ नाटो नहीं होगा द एक्सटेंशन ऑफ नाटो होगा अमित कुमार सिंह नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन में पहले नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है ठीक है ओके okay? अरे मुकुल सर आप बुलंद शहर से हो क्या बहुत पास पहुंच गए बेटा ठीक है <laughs> बहुत बढ़िया गुड बहुत क्लोज हैं आप सब मैं आपकी वकेब से आ, सर, मैं आपकी वकैब से कवर हो जाएगा बेटा मेन अच्छा मीन्स लिखे हो बेटा हंड्रेड परसेंट कवर होगा मीन्स ठीक है ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो और आप सारे वर्ड्स को साथ साथ लिखते चले जाएं जैसे धनंजय ने लिखा है कि सबसे पहला वर्ड रिबेलियन था विद्रोह दूसरा अलायंस था और तीसरा वर्ड धनंजय आप साथ के साथ इसका एक मीनिंग भी नहीं मीनिंग भी लिख दिया करो ठीक है आ, बेटा गाजियाबाद की स्पेलिंग ये नहीं होती है ओके <laughs> चलो शुरू करें इट इज वेरी हार्ड टू द लाइफ बहुत मुश्किल है जीवन को सुलझा पाना गुड 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 सॉरी फॉर लेट आएगा बेटा सॉरी फॉर लेट नहीं होता है गोविंद इसको लिखते हैं सॉरी फॉर बींग लेट देरी से आने के लिए सॉरी ठीक है बींग लगाया करो हमेशर इज अनवल इंग्लिश प्रॉब्लम बेटा अगर ये वर्ब है तो इसके बाद में दो ही चीजें आ सकती हैं या तो थर्ड फॉर्म आएगी अगर नॉन डूअर है अमृतसर और या फिर आईएनजी फॉर्म आएगी अगर डुअर है तो अमित सर इज अनरेवलिंग लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और सही सेंटेंस बन जाएगा सी इज वेरी एक्सपर्ट इन अनवल बेटा इनके बाद इन प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगाएंगे प्रियजिल रूल होता है ना तो आशी इज वेरी एक्सपर्ट इन अनवलिंग डिफिकल्ट मैटर्स विल बी द करेक्ट आंसर हाँ अब सही है आई हैड अन मैथ्स प्रॉब्लम गुड 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 Unravel the द मिस अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। तो हमें समझ आने लगा आपने अच्छे सेंटेंसिस लिखे हैं गुड गाइड तो हम कह रहे हैं ना कि ये सेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि पढ़ा के छोड़ना है ये सेशन आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए है आपकी रीडिंग और वोकैब को सुधारने के लिए है पीएम मोदी इज ट्राइंग टू अन बॉर्डर डिस्प्यूट गुड चलो शुरू करें आई इफ यू वॉन्ट टू बिकम प्रमिनेंट इन योर लाइफ यू नीड टू ऑल योर एम्बीग्यूटीज बेटा एम्बिग्यूटीज लिखो उसको ठीक है आज समझते हैं साइंटिस्ट आर स्टिल अनवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए भाई साइंटिस्ट अभी भी क्या कर रहे हैं जो डीएनए के सीक्रेट्स है ना उनको अनरेवल कर रहे हैं ओके अब देखो कितना अच्छा वर्ड मिला है ठीक है अन रेवल करना कि यार मैं अपनी क्या कर, हूं? मैं अपनी लाइफ को कर रहा हूँ बंदा सोचेगा भाई सब क्या करना है? शुरू कर दिया जीवन के साथ में तो आप बता सकते हो कुछ नहीं चीजें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं नया कुछ नहीं है प्रेसिडेंट बाइडन वोट टू अन्प एरा इमिग्रेशन रूल्स अब भी प्रेसिडेंट बाइडन क्या है वोट करना मतलब कसम का है शपथ लिया झुके हुए टू अनरेवल करने के लिए सुलझाने के लिए ट्रम्प एरा इमिग्रेशन रूल्स जो ट्रम्प एरा के इमिग्रेशन रूल्स है ना उन्हें सुलझाने के लिए ओके पीएम मोदी हैड ट्राइड अलॉट टू अनरैवल रसियन रसिया यूक्रेन वॉर ठीक है वी शुड अनरैवल आर रिलेशंस विद फ्रेंड्स बहुत बढ़िया नाउ आइडियाज गवर्नमेंट ट्राई क्यों होगा नाउ ए डेज गवर्नमेंट बेटर ट्राईज आएगा ठीक है ट्राइज आएगा ध्यान से देखो गवर्नमेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर आएगी और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और ई लगा होता है सी द नेक्स्ट सेंटेंस आ डिस इंटेंगल कर देना समझ गए बेटा चीजों को क्या कर देना सुलझा देना रेवल आउट कर देना बाहर निकाल लेना अनब्रेड करना सुलझाना अनले कर देना लेथा अनले कर दिया और अनसनाल कर देना खोलते चले जाना ठीक है सी ब्रेड उलझ गया नॉट गांठ लगा दी वाले का ना अनब्रेड बेटा लेस कर देना जैसे आप अपने लेसेस बांध लेते हो प्लेट करना जैसे आप बालों को उलझाते हो आपस में प्लाई करना प्लेट मतलब जैसे आप मतलब बालों को बांटते हैं छोटी छोटी बांधते हैं ऐसे भी प्लेट का यूज किया जाता है तो दीज आर द वर्ड्स एंटोनियम फॉर ओके चलो नाउ द नेक्स्ट वर्ड सी भाई अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है काउच अब ये आपने सुना होगा काउच पोटैटो कौन होते हैं बेटा काउच पोटेटो चलो ये आप तब तक मुझे बताओ मैं इस वर्ड को समझाने की कोशिश करूंगा फिर हम उसकी भी बात करेंगे तो काउच पोटेटो आपको बताना है काउच का मतलब होता है एक निर्दिष्ट तरीके से व्यक्त करना काउच मतलब एक वर्ब है टू टू फ्रेज और एक्सप्रेस इन अ स्पेसिफाइड मैनर आप किसी चीज को एक स्पेसिफिक मैनर में एक्सप्रेस कर देते हो यानी कि आपने किसी चीज को काउच किया है इसका मतलब आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं आपने उसको बड़े अच्छे से समझा दिया है रिसेंट स्टडीज ऑफ हिज डिप्लोमेसी इन बॉर्डर विट द एनिग्मा रादर देन अन इट ठीक है तो भाई वो क्या करता है एम्बॉर्डर करता है एनिग्मा को सीनियर मोस्ट लीडर्स हैज बेटा एनिग्मा मतलब पजल होती है जिन बच्चों को समझ ना आया हो ठीक है अनरेवल्ड द सिव सेना ठीक है बेटा यहां तक सही है अ सीनियर मोस्ट लीडर द सीनियर मोस्ट लीडर आएगा बेटा ऐसे कर लो ठीक है लेजी मैन गुड गुड काउच पोटैटो होते हैं बेटा ऐसे लोग जो सारा दिन लेटे रहते हैं खा खा के टीवी देखते हैं और बहुत मोटे हो जाते हैं टीवी पर कंटिन्यूस सारे प्रोग्राम देखते हैं और खाते रहते हैं उनको हम काउच पोटैटो कहते हैं तो ये जो वर्ड होता है ना सी ओ यू सी एच आप समझ लें ये जो काउच है बेटे उस बेड के लिए भी यूज होता है जो आप ऐसे लेटने के लिए यूज करते हो तो दैट इज कॉल्ड द काउच ठीक है तो अब हम बात करते हैं वर्ब है टू टू तो एक्सप्रेस समथिंग सी सम गो अभी हमारे एग्जाम्पल है क्या कहा गया आई एम ट्राइंग टू काउच दिस डेलीकेटली i don't think we should agree to ceasefire anymore. कितना बढ़िया सेंटेंस है, है i'm trying to couch this delicately मैं इसको बड़े डेलिकेटली मतलब बड़ी सौम्यता के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं i don't think मैं नहीं सोचता हूं we should agree to cease fire any more हमें ज्यादा देर सीज फायर के लिए रुकना होगा ठीक है कि मतलब हमें अब कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता हूं कि वी शुड अग्री टू सीज फायर मोर अब और ज्यादा में सीज फायर करने हैं। या तो अटैक करो या कुछ और करो बट सीज फायर इज नॉट द वे ही कर्ल्ड अप ऑन द काउच एंड फेल अ स्लीप बेटा बिल्कुल सही बात है तो ये काउच नाउन है ये काउच नाउन है हम वर्ब की बात कर रहे हैं दोनों में अंतर है ध्यान रखेंगे आपने कहा द इंडियन एयर फोर्सेंट एक्सप्रेस करने की बताने की क्या द रिसेंट डेमोस्ट्रेशन जो उन्होंने रिसेंट डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं एज बींग अबाउट रिकॉनिस बेटा याद आ रहा है रिकॉनिस मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में जानकारी निकालने के लिए जो डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं उसको टू काउच करते हैं समझाते हैं

ऊपर और नीचे के देख लेते हो मेरा नहीं देखा है फिर वाल प्लीज डाल दो। सर, सोफा भी तो होता है सर आ, हाँ बेटा मैंने वही कहा ना नहीं थी उसे से बना है काउच काउच पोटैटो तो वो जो होगा वो नाउन होगा एवरी मॉर्निंग आई आईवल माई मॉस्क्यूटो काउच फॉर फ्यू मोमेंट्स बेटा फॉर आ फ्यू मोमेंट्स करो क्योंकि जो फ्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब आप ना के बराबर बैठते हैं तो कुछ देर बैठते हो गए आ फ्यू लिखें तो प्रबल चौहान जल्दी से लिखो बेटा सेंटेंस मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ द लाइन काउज हिमसेल्फ बाई अ ट्री बेटा ये सेंटेंस क्या है <laughs> लाइन के साथ आप हिमसेल्फ लगा रहे हो पहले इट आएगा और दूसरी बात ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा ओके okay? फिर छोड़ दिया प्रबल कौन सा छोड़ दिया बेटा द रेप केस इन पाक्स पंजाब

क्या हुआ बेटा आर्टिकुलेट होगा अब मैं मतलब उधर ही नजर रखूंगा कि प्रवल का सेंटेंस आने वाला है है ठीक so, सो uh, संदीप सैन आगे बेटा बहुत बढ़िया लगा कहानागे आपको भाई देखो आर्टिकुलेट करना जैसे मैं वर्ड्स को थोड़ा गंभीरता से बोल रहा हूँ या हंसी मजाक से बोल रहा हूँ आर्टिकुलेशन पुट करना चीजों को एक्सप्रेस करना फॉर्मुलेट करना या फ्रेज करना बता देना ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट वन अपोजिट क्या होगा आर्टिकुलेट का अन आर्टिकुलेट हो गया उलझा देना ठीक है एक्सप्रेस ना कर पाना अन इंटेलिजिबल जिसे आप समझा ही नहीं पाते हो टेलीजिबल नहीं है इन भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है नहीं है इनएलकुंट है एलोकुएंट आपने सुना होगा एक एलोकुंट स्पीकर होता है जो बहुत बढ़िया से बोलता है इन एलोकुएंट कौन हो गया जो बढ़िया से बातें नहीं कर पाता है ठीक है और नेक्स्ट है अब देखो आप ये लिख रहे हो हम यार ये बेटा ये सेंटेंस थोड़ी है यह सेंटेंस थोड़ी है इनकोहरेंट होगा विच इज नॉट क्लियर बेटा उलझा हुआ है ठीक अमित सर ट्राई नहीं होगा ट्राइज होगा ट्राइज टू काउच द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल लेकिन देखा ट्राइज होगा अमित सर सिंगुलर हैं ठीक है तो वर्ब सिंगुलर आएगी वेल्डन well साथियों लिखते जरूर रहेंगे इसलिए नाम लेके एड्रेस करता हूं और अपनी गलतियां नोट करेंगे ठीक है सलोनी हर स्मार्टनेस काउच बेटा काउच नहीं आएगा काउचेज आएगा स्मार्टनेस सिंगुलर होता है ठीक है तो आप सिंगुलर के साथ वो भी सिंगुलर ही लगाएंगे नेक्स्ट आ जाओ आइडियोलॉजिकल वैचारिक बेटा कहते हैं ना हमारे आइडियोलॉजिकल संबंध है वैचारिक संबंध है दैट्स एन एब्जेक्टिव इट्स कॉल्ड बेस्ड ऑन और रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स ये आपके आइडियाज और आइडियल्स के ऊपर डिपेंड करता है एक सेंटेंस नहीं डाला वैसे इतनी देर से कह रहे थे सब मेरा वाला ही आप नहीं पढ़ते हो पता नहीं कौन सा बेटा सेंटेंस डाल रहे हो कौन से प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो ठीक है हमने कहा द कॉन्ट्रास्टिंग बेटा Uh, the contrasting scenes playing out almost daily highlights the ideological divide facing the democratic fabric of India. I the contrasting scenes, hai na, matlab, opposite scenes, okay, तो वो क्या कर रहे हैं बेटा प्लेइंग आउट ऑलमोस्ट डेली डेली आपको हाईलाइट दिखाई देते हैं द आइडियोलॉजिकल डिवाइड और जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है ना फेसिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडिया ये बेटा कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिवाइड है है ना ना फेस कर रहा है कौन द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडिया बेटा कहीं न, कहीं डेमोक्रेसिस को फेस कर रही है ठीक है ओके okay? नेक्स्ट आ जाओ बेटा नेक्स्ट आते हैं ये जो लिखते हो प्रवल ये सब दिखाई दे रहा है द आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हैज Uh, बेटा अंडर पाइंड द रसियन यूक्रेन वॉर ये जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है ना हैजर पाइंड द रसियन यूक्रेन वॉर मतलब बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ही तो है कि हमारी आइडियोलॉजिकल चीजें ही तो डिफरेंस है बट इट इज नॉट इजी टू लुक एट दिस एविडेंस विदाउट आइडियोलॉजिकल ब्लिंकर्स बिल्कुल सही बात है ठीक है कि बेटा इट इज नॉट इजी टू लुक एट दिस एविडेंस पे देखना uh, ब्रिगेडियर प्रताप हैज एक्सप्रेस हिज आइडियाज दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द एनिमी एंड किलहिम बेटे जो एक्सप्रेस था ना इसकी जगह कर दो संकेत यही तो समझाया था एक्सप्रेस की जगह कर दो आप ठीक है नेक्स्ट है मैंने रिकॉर्डेड क्लास ले रहा था ठीक है बट वहां सेंटेंस बनाने का मौका नहीं मिल रहा था ओके अब लाइव है यूक्रेन वॉर आइडियोलॉजिकल फॉर ये बेटा नहीं रसियन यूक्रेन वॉर इज आइडियोलॉजिकल होगा वर्ब मिसिंग है ओके ओके वर्ब मिसिंग है नेक्स्ट आ जाओ अभी नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट वर्ड देखो फटाफट फ़ड़ से भी देखो ज्यादा डिस्ट्रेक्शन मत पैदा करो सेशन कंप्लीट भी करना होता है ठीक है ऐसा थोड़ी यही बैठे रहेंगे आपके लिए जल्दी से आ जाओ साइंस की क्लासेस के बाद नौ बजे आपको पता भी होगा बेटा डॉक्ट्रेन मतलब बेटा क्या होता है डॉक्टर मतलब होता है किसी चीज को समझा देना ठीक है डॉगमेटिक अब डॉगमेटिक कौन होते कट्टर होते हैं तो कट्टर हैं तो भाई इनके अपने तरीके हैं जीने के ओपिनियन कौन होते हैं जिसकी अपनी ओपिनियन है अपनी राय है ठीक है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आइडियोलॉजिकल बहुत बढ़िया जामुन वेल डन और विजनरी होगा जिसका अपना विजन है और बेटा पॉन्ट बेटा पॉन्टिफिकल होता है जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा द ब्रिटिश आइडियोलॉजी है एकदम सही Uh, निधि कहते हैं आई मेट वन आइडियोलॉजिकल मैन हु मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन है आपका है, है, लेगा, क्योंकि ठीक ऐसा करना होगा the USA tries, ट्राइज की स्पेलिंग सही करो ठीक है अमित कुमार सिंह ऐसी थोड़ी एस लगा देती हैं। सोचो क्या होगी दूएसए ट्राइज टू मेक प्रेशर ऑन अलायंस ठीक है चलो बढ़िया है अब अपोजिट क्या होगा बेटा इन कौन होते हैं बेटा ये होते हैं जिनका कोई आ, इथिक्स नहीं है मतलब अपना तरीका नहीं है अनडॉक्ट्रेन इनका भी बेटा कोई तरीका नहीं है अनडॉगमेटिक है को, कोई मान्यता नहीं है डॉगमेटिक होते जो कट्टर होते कट्टर नहीं है कॉन्क्रीट है मतलब जवाब जवाबदेही है नॉन एब्स्ट्रैक्ट है मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो दैट इज द अपोजिट वर्ड हियर ठीक है तो डॉक्ट्रेन क्या होता है लॉजिकल चीज़ें हैं और जॉ जो डॉक्टर नहीं है उनको बेटा हम अपोजिट मान लेते हैं इसके ठीक है आ जाओ नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं ओके okay. नेक्स्ट uh, देखो आपने कहा था आइडियोलॉजिकल वे हैज बीन वेन बेटा ठीक है जो आइडियोलॉजिकल वे है वो बहुत अच्छे से समझाया गया बाय गवर्नमेंट ठीक है एकदम सही है द आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिगेडियर प्रताप इज वेरी डॉक्टर अगेंस्ट द एनिमी ठीक है बेटा ये सही है ये हमने पढ़ लिया था सब मैं हिंदी मीडियम से हूं इसलिए uh, ज्यादा बड़ी नहीं जरूरत है गोविंद गोविंद जरूरत ही नहीं है बड़े सेंटेंस बनाने की मैं भी चाहता हूँ छोटे सेंटेंस बने लेकिन प्रोडक्टिव हों हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं गोविंद अगर आप चाहते हैं सही चीज़ें सीखना कि जो आप आज अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएँ ठीक है जैसे आप ये सोचो हमने बात की बेटा अपने वर्ड की ठीक है जैसे इससे पहले आइडियोलॉजिकल था तो आपने कहा कि जो मेरे फादर हैं वो बड़ी आइडियोलॉजिकल बातें करते हैं तो आप उसको हिंदी और इंग्लिश से मिला के भी बना सकते हैं बट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएं जिन्हें आप आज यूज कर पाए ठीक है आप ऐसे सेंटेंस ना बने राम मोहन सोना वाले जो बेकार के हैं तो आपने कहा कोरिया हैज इट्स ओन डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा ठीक है गुड तो आपने देखा एक वर्ड होता है बेटा मूरिंग मूरिंग का मतलब क्या होता है मूरिंग होता है नौकादी बांधने का रस्सा ये आप देख रहे हो दिस दिसवर्ड या आप देख रहे हो ना बेटा पूरी बोट को मूरिंग नहीं कह रहे हैं। ये मोरिंग होता है ठीक है ये बेटा आपका मोरिंग है इस वाले वाल की हम बात करें द रोप्स चेन्स और 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 एंकर्स टू अ बोट शिप्स बेटा बॉय आपको बताया था बॉय इज मोट जिससे बांध दिया जाता है वो सब क्या है जो रोप्स हैं चेन्स हैं और एंकर्स एंकर बाई टू विच अ बोट शिप्स और बॉय इज मोट जिससे बांधा जाता है उसको आप क्या कहते हैं मोरिंग कहते हैं ठीक है ठीके? चलो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब आपको पता चल गया इस रस्से के लिए हम बात करें एंकर के लिए बात करें तो बस इतना यूज़ करना है ठीक सी अब आपने सेंटेंस डिलीट कर दिया कैसे देखेंगे आप देखते तो आपने पहले डिलीट कर दिया प्रिवल चौन नाराज आप द ग्रेट शिप्स स्लिप्ड बेटा द ग्रेट शिप्स स्लिप्ड होगा ठीक है क्या होगा ग्रेट शिप स्लिप हर मूरिंग टू दब क्या हुआ जो ग्रेट थे वो और कहा स्लिप कर गए दटलांटिक और धीरे धीरे स्लिड आउट कर गए अटलांटिक में ठीक है एक चीज समझने की है जितने भी वॉटर बॉडीज के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल दाह लगाते हैं जैसे मानो अटलांटिक है तो आर्टिकल दगेगा ठीक गंगा है तो आर्टिकल दगेगा समझ आ रहे हैं तो बी है तो द बंगाल होगा आर्टिकल दा लगेगा। तो आपको समझ आ गया कि द ग्रेट शिप स्लिप्ड हर मूरिंग अपनी मूरिंग से स्लिप कर गया एंड स्लिड आउट इन टू द अटलांटिक और अटलांटिक में बहता चला गया नेक्स्ट हमने कहा अनिंग रोप्स बेटा अनटाइक खोल देना मूरिंग रोप्स को उन बांधने वाली रस्सियों को I pushed the motor into gear, slowly moving away from the jetty. और धीरे धीरे जैटी से अलग जाने लगा अब ये जैटी क्या होता है भाई जैटी होता है जहां शिप को आप बांधते हो ना वो जो मतलब किनारा होता है बीच ओके आपका जो बीच होता है वहां पर जो आप बेटा पत्थरों पे बांधते हो उसको जैटी कहते हैं तो प्रवल सेंटेंस क्यों डिलीट किया आपने मैसेजेस ठीक आज बेटा दैट कॉल्ड जैटी उसको हम जैटी कहते हैं ठीक है तो अब समझ आ गया मूरिंग क्या है द दिंड वॉज स्ट्रॉन्ग टू ट द बोट फ्रॉम इट्स मूरिंग बिल्कुल सही बात है इसके मूरिंग से दूर कर सकता था ठीक है ओके okay, बहुत बढ़िया नेक्स्ट है. देखते हैं हाँ, बेटा तो वर्ड होता है जोड़ने वाला रस्सा अब देखो इसको आप एंकरिंग कह सकते हैं ठीक है एंकर हो गया आपका नेक्स्ट है आपका बेटा क्लैंपिंग क्लैंप लगाते हो ना बांधने के लिए फास्टनिंग कर देना हेचिंग करना या फिक्सिंग कर देना ठीक है अब बेटा अपोजिट क्या होगा ढीला छोड़ दो लूजनिंग होगा प्राइंग कर देना बेटा अनफास्टनिंग कर देना अनफिक्सिंग कर देना या अनलूजनिंग कर देना ठीक है बस ऐसे ही कर दो छोड़ दो, तो आर दो opposite, ठीक है? अब आते हैं बेटा वर्ड है फ्रेड अब एक वर्ड है बेटा फ्रेड फ्रेड का मतलब क्या होता है बेटा फ्रेड का मतलब ध्यान से समझेंगे फ्रेड का मतलब होता है तनाव का प्रभाव बेटा आपके ऊपर तनाव का प्रभाव है जैसे आपने कहा एडजेक्टिव शोइंग द इफेक्ट आप इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेन आप का शो करते जैसे देखो ये जो पिक्चर है ये समझना है यूजुअली चार्जर बेटा यहां से ब्रेक हो जाता है ठीक है ये क्या है ये बेटा फ्रेड हो गया मतलब तनाव की वजह से ब्रेक हो गया दैट इज कॉल्ड हो जाना समझ आ रहा है सम रिच पर्सन बेटा सम रिच पर्सन होगा आई सो अ बोट आ, नीलम कहते हैं समरिच पर्सन होगा आप इसको सही करेंगे ठीक है पहले तो नेक्स्ट है धनंजय का मैनी फिशरमैन बेटा मैनी के बाद जो फिशरमैन आएगा उसमें एम एन नहीं होगा एम एन होगा ठीक है और उसके बाद में समरिच पर्सन आपका सेम क्वेश्चन है मूरिंग इज हेल्पफुल टूल फॉर शिप्स ऐसे लिखेंगे ठीक है चलो आ जाओ तो फ्रेड का मतलब हमें क्लियर होते जा रहे हैं कि फ्रेड का मतलब क्या है आ, जैसे आपने देखा वन इन फ्रेड स्टेट बेटा अपने फ्रेड स्टेट में तनाव वाले स्टेट में जॉन पी फेस्ड बेटा चंद्रशेखर आजाद आफ्टर आजादर लाला क्या हो गया बेटा इन फ्रेड स्टेट अपने फ्रेड स्टेट में जॉन पी सॉन्डर्स जो थे फेस किया बेटा किसको चंद्रशेखर आजाद को आफ्टर लालाजीज किलिंग ठीक है तो ये क्या कहलाता है तनाव में आके ठीक है सी नेक्स्ट वन देखते हैं नेक्स्ट आपने कहा अवे फ्रॉम फ्रेड नर्व्स बेटा फ्रेड यानी तनाव वाली नर्व से दूर होके ही एंड टू गैलोज क्या होता है जहां फांसी दी जाती है जगह को कहती हैं, ठीक है थीके? तो आपने क्या लिखा अवे फ्रॉम द फ्रेड पाकिस्तान गवर्नमेंट हैड फेल्ड इन मूविंग इट्स इकोनॉमी बिल्कुल सही है कि बांधने में बेटा फेल हो गई अब की बार दिखा है आपका सेंटेंस है समाइम्स माइंड डोंट बेटा डोंट क्यों आएगा डेजेंट आएगा माइंड सिंगुलर होता है आर ड्यू टू स्ट्रेन द ओल्ड मैन फ्रेड ऑन द रोड आफ्टर लेबरिंग वी कैन ईजीली फील फ्रेड इन आर बॉडीज ठीक है बेटा हम थोड़ा सा तनाव फील करते हैं तो समझ गए अवे फ्रॉम फ्रेड नर्व बेटा बिल्कुल तनाव से दूर होके उन्होंने कौन सा गाना गाया रंग दे बसंती चोला ठीक है सही अब ये क्या है बेटा ये अप्रेडिड है मतलब तनाव से कमज़ोर हो जाना तनावग्रस्त अप्रेडिड हो जाना चैवड हो जाना ये बेटा सी ओ डबल आर ओ डी डी कॉरोडिड है कॉरोड मतलब कमज़ोर होते चले जाना इरोडिड हो जाना या फ्रेज हो जाना समझ पा रहे हो कि मतलब तनाव से वीक हो जाना फ्रेड हो जाना या इरोडिड हो जाना अपोजिट क्या होगा इंटैक्ट है बिल्कुल सेम है है, कोई चोट नहीं पहुंची है कंप्लीट है एंटायर है या अनपेयर्ड है ठीक है जिसमें कोई कमी नहीं है तो ये अंतर हो गया रसिया यूक्रेन वॉर इज फ्रीड गुड बेटा अच्छा लिख रहे हो जामुन कुमार बड़ा इंप्रूवमेंट किया है सम स्टूडेंट्स गिव अप देयर स्टडी बेटा देयर स्टडीज होगा नाउन आएगा वहां पे आ, नीलम खान आपका नाम है ना ठीक है सम स्टूडेंट्स गिव अप देयर स्टडीज ड्यू टू फ्रीड ओके ड्यू टू फ्रेड बेटा ड्यू टू फ्रे लिखो फ्रेड मत लिखो वहां पे ठीक है फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं ठीक है तो ऐसा कर लो उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे आ जाओ नेक्स्ट ट्राई करते हैं नेक्स्ट वर्ड देखो अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड बेटा बड़ा अच्छा वर्ड है मैकेशन uh, बेटा क्या है मैकनिशन मतलब होता है दैट इज कॉल्ड द साजिश ओके मैकनिशन मतलब होता है बेटा साजिश यानी कि कोई साजिश कर देना कॉन्सपिरेसी होगा आई और क्राफ्टी एक्शन और आर्टफुल डिजाइन इंटेंडेड टू अकमप्लिश सम अनयूजुअल इविलेंट्स बेटा क्या होगा आई और क्राफ्टी एक्शंस और आर्टफुल डिजाइन जिसमें इंटेंडेड आपकी इंटेंशन है टू अकमप्लिश खत्म करने के लिए सम ट की मतलब कुछ बुरा खत्म करना है ठीक है उसके लिए आप यूज करते हैं अब यहां जो एक वर्ड है ए डबल सी ओ एम पी एल आई सी आपको याद आता होगा एक्म्प्लिस और एक्म्पलिश इसमें सा आता है और इसमें शा आता है ठीक है ये अंतर है डिफरेंस क्या है ये तो होता है फिनिश कर देना और इस एक्म्प्लिश का मतलब होता है बेटा क्राइम पार्टनर क्राइम पार्टनर ठीक है जो क्राइम में आपका साथ देते हैं उसको कहते हैं तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि दोनों वर्ड्स को याद करना है ठीक है तो साजिश के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है अब साजिश के लिए आप देख रहे हो ना साजिश चल रही है डेड बॉडी है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है कुछ बुरा किया है खत्म कर रहे ठीक है इनक्रेडिबली कॉम्प्लीकेटेड बेटा मतलब विश्वास नहीं कर सकते इतना कॉम्प्लीकेटेड है ठीक है पर वल चौहान कहाँ पार्टी चल गई फ्रेड uh, डिफीट बिल्कुल सही है पीपल शुड शुड अवे, बेटा बेटा फ्रॉम सेम्स, के बाद की कौन सी फॉर्म आती है सो, सोचो आप या तो बी लगाएंगे या फिर बेटा फ्रेड नहीं लिखेंगे इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड, बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैकेशन टू एसेनेट द प्रेसिडेंट दैट इनिविटेबली फेल्ड मतलब इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड जो मैकेशन साजिश थी ना टू एसेसिनेट कर देने को किल कर देने के लिए किसको द प्रेसिडेंट को तो मतलब ऐसे फेल हुई आप नहीं कर है। जो मतलब हो अब सकते जर्नल डायर्स मैकेशन जो साजिश थी ना रिजल्टेड इन टू वो किसमें रिजल्ट ऑफ फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड सिविलियंस एंड वोडिंग अराउंड एटीन हंड्रेड अदर्स और 1800 लोग बेटा कहा जलिया वाला जो आपका हुआ था उसमें क्या कर दिए गए थे 1800 लोगों को चोट लगी थी और 500 से 600 सौ मारे गए किसकी वजह से जर्नल डायर के मैकेशन की वजह से समझ आ गया तो अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स को लेके साइंटिस्ट लिखो बेटा फटाफट से सेंटेंस लिख दो क्या क्या है माई फ्रेंड मेकेशन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी ठीक है ah,

पाक आर्मी आर्मी एपोस्ट्रोफी लगेगा बेटा पाक आर्मीज मैकिनेशन पाक आर्मी की साजिश एवरी टाइम अगेंस्ट इंडिया सेंटेंस कंप्लीट नहीं है राहुल शर्मा और आर्टिकल भी मिसिंग है और वर्ब भी मिसिंग है ठीक है एपोस्ट्रोफी मिसिंग है एक वर्ड है अ देखो ये वर्ड मैं आपको कई बार बता चुका हूं ध्यान से सुन लो बेटा क्या-क्या वर्ड है देखो एक वर्ड होता है आपका ए बी ए टी ई अ इसका मतलब होता है शांत करना ठीक है और एक मतलब होता है ए बी ई टी इसका मतलब होता है उकसाना उकसाना ठीक है और मैंने आपको यह बताया था कि इसमें ए आता है तो इसको आप ऐसे याद कर दो ए डबल एल ए वाई एल ई एल ई माने शांत हो जाना और बेटा इसमें ई e आता है तो इसको याद कर लेंगे ई एक्स टी डी एक्साइटेड तो इसको आप ऐसे बोल देते हो ना अली बेटा चुप हो जा शांत हो जा तो अबिट करना होता है उकसा देना ये वर्ब है टू इंकरेज और असिस्ट समू डू समथिंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर और कमिटर क्राइम ये यूजअली कहाँ होता है बॉयज हैं वो करते हैं ना आपस में कि भाई तू कर इस काम को हम पीछे संभाल देंगे तो याद आ गया उसको आप अबिटमेंट कहते हैं ओके okay, समझ गए द इज मैकिनेशन ध्यान से सुन लो वो होता भाई तू चल आगे हम करने पीछे सब संभाल देंगे तो एक लड़का जाके कुछ कर देता है उसी को आप कहते हैं अबिट करना ठीक है और ये बेटा किसी गलत चीज के लिए उकसाना मतलब ये नहीं पॉजिटिव काम करने के लिए यूजली नेगेटिव चीजों के लिए उकसा देने को अबिट कहा जाता है इट इज एन ऑफेंस टू काउंसिल एड और अबिट एनी वन टू कमिट सुसाइड समझ गए ये भी एक ही है टू काउंसल किसी को सलाह देना एड हेल्प करना और बेटा एबिट कहा तुमसे ना हो पाएगा ज्यादा अच्छा तरीका है, कर लो। failed, बिल्कुल सही है टू कॉल इकोनॉमी मेरी बात समझ गए कि किसी को ये चीजों के लिए उकसाना बेटा गलत होता है वेन ऑन रोड्स मैन्यू ऑफ अस आर एडिंग एंड अबेटिंग टू फ्लाउट द

बॉक करना शांत करना बार है ब्लॉक रोक देना कंस्टेंट बाधा डाल देना है छेड़ देना ठीक है तो ये चीजें क्या होती भड़काना आगे बढ़ाना ये रोक देना स्टॉप कर देना बार बना देना किसी को मतलब बाधित कर देना ठीक है एक वर्ड है बेटा स्नोबॉल स्नोबॉल होता है आकार तीव्रता या महत्व में तेजी से वृद्धि होना किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ जाना दैट्स कॉल्ड द स्नोबॉल समझे वर्ब है आपने क्या इंक्रीज रैपिडली इन साइज इंटेंसिटी और इंपोर्टेंस किसी चीज में बहुत तेजी से बढ़ जाना इट इज कॉल्ड गाइज दैट कॉल्ड योर स्नोबॉल ठीक है अब इसको देख लो स्नोबॉल क्या है एक बार समझते हैं स्नोबॉल का मतलब है आपने कहा वल्लभ भाई पटेल अंडर कवर कैंपेन टू यूनाइट ऑल द नेटिजन स्नोबॉल मतलब क्या हुआ कि जो वल्लभ भाई पटेल का बेटा अंडर कवर कैंपेन था ना तो अंटाई कर देने का ऑल द नेटिजन स्नोबॉल वो बहुत तेजी से बढ़ा मिल्खा सिंग्स डॉजिट पर डॉजिट मतलब अंतर मन से बहुत तेज जो पर स्नोबॉल्ट वो बढ़ती चलेगी और ज्यादा तीव्रता आती चलेगी उसमें तो स्नोबॉल होता है बेटा किसी चीज में तीव्रता का आ जाना ठीक है सिनोनिम्स क्या है एक्सीट करना एक्यूमलेट कर देना भाई बढ़ा देना मिला देना अप्रिशिएट करना बैलून कर देना बूम कर देना बढ़ा देना कॉन्ट्रैक्ट सुकोर देना डिक्रीज करना डिमिनिस करना डिंडल करना लेसन कर देना ठीक है तो ये था भाई आज का आपका सेशन आपको सेशन कैसा लगा मुझे आप जरूर बताएंगे ठीक Tiger by the trail on the rebellion in the Sifsana. तो ये आज का आपका पैसेज है द रिबेलियन इन द सेना दॉ इन द मेकिंग फॉर अ एंड डज नॉट अलाउ फॉर अ क्विक फिक्स अविक्सूशन तो ये आपका आज का पैसेज है बहुत अच्छा पैसेज है महाराष्ट्र में क्या चल रहा है आपको सबको पता है तो एक बार बेटे इस पैसेज को जरूर पढ़ेंगे कल इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पैसेज में आने वाले जैसे वर्ड आइडियोलॉजिकल ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो आपको इस पैसेज को पढ़ना बहुत आसान होगा लेट्स अवर लुक टू द क्विक रिवीजन रिबालियन विद्रो होता है लाइन संधि संधि होती है बेटा अनरेबल सुलझा देना होता है नेक्स्ट है आपका वर्ड काउच माने हमने देखा था बैड भी होता है और एक तरीके से व्यक्त करना आइडियोलॉजिकल वैचारिक होगा मोर्निंग मतलब नौका को बांधने वाली चीजें होंगी फ्रेड माने तनाव का प्रभाव या माने साजिश होगी और भाई आपका वर्ड है एबिट उकसा देना स्नोबॉल मतलब तीव्रता लेके आना तो ये आपका सेशन था आपको सेशन कैसा लगा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर डालेंगे और बेटा कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली रहता है वहां आप जो चाहे वो बता सकते हैं कैसे हैं मिहिर राय बहुत खुशी हुई आपको देख के